सुदेश शर्मा फ्रॉम एस एन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 2। आज हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपका यूनिट टेस्ट में आ रहा है ऑफ जून। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम शायद अपनी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोप की जो रेंज थी, मतलब मैग्नीफाइड करने की जो पावर थी, वो बहुत कम थी। अब धीरे धीरे कैसे मॉडर्न इरा में नए नए माइक्रोस्कोप क्रिएट किए जा रहे हैं जिसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे हम एक बहुत ही माइन्यूट चीज़ का बहुत बड़ी इमेज देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए माइक्रो ऑर्गन कैसे फ्रेंड है, कैसे को कहाँ पाए जाते हैं, क्या कैटेगरी है। हर एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, इन देन एवरीवेयर, चाहे वाटर है, चाहे पानी है, चाहे एयर है, चाहे लैंड है, एवरीवेयर। ठीक है भाई, इसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोवा, एल्गा और वायरसेस। इन चारों में वायरसेस इन चारों से इंडिकेट नहीं करता, क्यों? क्योंकि वायरस एक ऐसा सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो केवल होस्ट सेल जिसके अंदर से वर्क करना उसके अंदर जाने के बाद ही रिप्रोड्यूस करता है या फिर मल्टीप्लाई होता है, राइट? इनसे होने वाली डिसेंट्रीज कौन कौन सी, ये आपको याद करनी है। डिजीज, डिसेंट्री, मलेरिया, कस्बाई, प्रोटोजोवा, ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट करके भी दिखाएंगे आपको याद करने हैं। लाइक दैट माइक्रो ऑर्गन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पॉइंट, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सॉइल फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन किया जाता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा होता है? दिस इज द राइजोबियम नेट्रिकुलम, दिस इज द बैक्टीरिया जो कहाँ पाया जाता है, यस, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस मतलब जो दाने वाले, जैसे कि मटर है ना, फलियाँ, फलीदार जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में, उन पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम नेट्रिकुलम, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि एयर की नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में चेंज करता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेकिंग कर्ड और ब्रेड बनाने में। यू नो दैट ब्रेड बेकरीज बनाने में, आपको पता है ना, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट का यूज़ किया जाता है। यीस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड बनाने में भी किसका यूज़ होता है? इसके लिए एक बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है, दिस इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो धीरे धीरे मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है बच्चों। जैसे कमर्शियल यूज़, एक बड़े स्केल पर यूज़, जैसे कि अल्कोहल बनाने में कौन सा प्रोसेस होता है? फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन क्या है? जिसमें शुगर को अल्कोहल में चेंज कर दिया जाता है। शुगर को आपने कहा ना गन्ने के जूस की वाइन बनाई जाती है, वो क्या है? शुगर ही तो है, जिसे किस में चेंज कर दिया जाता है? अल्कोहल में। दिस इज कॉल्ड इज फर्मेंटेशन। मेडिसिनल यूज़, यस, बहुत सारी मेडिसिन हैं यूज़ की जाती है एज अ एंटीबायोटिक्स, जो कि बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें कहते हैं पैथोजन, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, चेक करते हैं। चलिए, और है इसमें एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना, क्या एक बार पढ़ चुके हैं, पल्स पोलियो है, फर्टिलिटी हम बात आपको समझा ही चुके हैं, और क्लियर इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। अब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है या कोई पेड़ वगैरह टूट के नीचे गिरता है, तो ध्यान दिया धीरे धीरे सॉइल में मिक्सअप होते चले जाते हैं। ये वर्क किसका होता है? जैसे वर्क ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही तो वर्क है कि धीरे धीरे सॉइल में मिक्स होते चले जाते हैं, इस टाइप से वो क्लीनिंग करते हैं। चलिए, अब आ गए हम हार्मफुल। भाई ये तो यूज़फुल पड़े, अब हार्मफुल भी बहुत सारे। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़, जो किसके द्वारा फैलते हैं? सिर्फ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही फैलते हैं। आपने देखा है COVID-19 क्या है? ये इन्फेक्शन ही तो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस ही तो है ना। COVID-19 क्या है? वायरस ही तो है जो लगातार बीमारियों को स्प्रेड कर रहा है। यस, बहुत सारी एनिमल्स में भी, प्लांट्स में, बहुत सारी इसमें क्या है, डिजीज पाई जाती हैं, जो बहुत सारी, जैसे कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, किसके मलेरिया के पैरासाइटो कैरी करती है, फीमेल एड्स क्या है, मॉस्किटो कैरियर है, डेंगू वायरस को फैलाती हैं, ऐसे बहुत सारी बीमारियों को स्प्रेड करते हैं, जिसमें आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन है आपको टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसे आप एक बार पढ़ेंगे। और एनिमल्स में डिजीज इन प्लांट्स में आपको टेबल के थ्रू बहुत दिया गया, जैसे सिट्रस कैंसर किस में होता है? एयर के द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया है। रस्ट ऑफ वीट फंजाई के द्वारा होता है, एयर शीट्स, येल्लो वेन और मॉस्किटो, भिंडी में येल्लो पड़ जाना किस कारण? वायरस के कारण, जिसे फैलाने वाला होता है इंसेक्ट। लास्ट टॉपिक है इसका फूड पॉइजन क्या होता है।
जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी फूड पे वर्क करते हैं, हम उस फूड को खा लेते हैं या फिर उसे ईट अप कर लेते हैं, अपने फूड में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक टॉक्सिक सबस्टांस क्रिएट करते हैं, एक लिक्विड टाइप बनाते हैं जो कि फूड को पॉइजनस बना देता है। इसे कहते हैं फूड पॉइजन। प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपने कहा केमिकल मेथड, कुछ केमिकल्स मिला के प्रिजर्व करना, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित करना भोजन को या फूड को काफ़ी टाइम तक हेल्दी बनाए रखना, या फिर सॉल्ट मिला के, आपने देखा ना मम्मियाँ नमक लगा के सामान को रखती हैं, सब्जी वब्जी में डालती हैं, कच्चे आम में नमक लगा के रखते ताकि आसानी से वो ख़राब ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क ना करें। शुगर मिला के, जैसे जैम और जैली नहीं होता, कितने टाइम तक रखे रहते हैं, वहीं आप फलों को रखो तो आसानी से आप नहीं रख सकते, उन्हें ख़राब हो जाते हैं, शुगर के द्वारा प्रिजर्व करते हैं। ऑयल और विनेगर में डाल के, आपने देखा ना विनेगर में डाल के मूली और वगैरह के अचार बनाया जाता है, यस प्रिजर्व किया जाता है। हीट और कोल्ड टेम्परेचर से फ्रिज में रखे, बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि वो फूड स्पॉइल ना हो या उसमें पॉइजन ना बने या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क ना करें। ऐसी प्रोसेस है पास्चराइजेशन, जिसमें कि मिल्क को सबसे पहले 70 डिग्री तक बॉयल किया जाता है 15-30 सेकेंड्स के लिए, और फिर उसको सडनली चील ठंडा करके स्टोर कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। प्रोसेस कहते हैं पास्चराइजेशन। पहले तो फ्रिज वगैरह नहीं पाए जाते थे ना, तो लेडीज़ क्या करती थी, फूड को मिल्क को गर्मियों में समर डेज में 2-3 बार बॉयल किया और उसको ठंडा करके स्टोर कर दिया, इस टाइप से बचा लेती थी। इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम आप बात कर ही चुके हैं आपके साथ, राइजोबियम नेट्रिकुलम जो कि एयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में चेंज करता है ताकि उसको एनिमल और प्लांट्स उसका यूज़ कर सकें। ठीक है बेटा, अच्छे से इसके रीड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, आ रहा है इसमें आपका चैप्टर नंबर 5 कोलन पेट्रोलियम, जिसमें मैंने नेचुरल रिसोर्सेज की बात करी है। रिसोर्सेज मतलब ऐसे स्रोत जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, दो टाइप के होते हैं, इन एक्स हॉस्टिबल, दोनों में आपको डिफरेंस लर्न करना है, कौन से लिमिट में कौन से, ये मैं आपके लिए इसको अपनी वीडियो ओपन करनी है, उसको अच्छे से पढ़ना है। कोल किस टाइप से बना, कोल की फॉर्मेशन, देन और पेट्रोलियम कैसे बना, पेट्रोल रिफाइनरी में कैसे इसको रिफाइन किया जाता है, और कौन कौन से प्रोडक्ट, इस टेबल के थ्रू आप प्रोडक्ट देख सकते हैं कौन कौन से, इसी के बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बना के दूंगी बेटा। ठीक है, उस हिसाब से नेचुरल रिसोर्स जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, लिमिटेशन में और क्या क्या उसके हार्मफुल है, कैसे हम उसको लिमिट में ला सकते हैं। ठीक है, ये आपको सारा पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आपको लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 5 बहुत अच्छे से तैयार करना है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस वीडियोस खोलिए, पढ़िए और फिर उसके बाद लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।